चुनाव प्रचार रोज लगातार उठता जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर पूरी आंधी से बड़ा तूफान होता है कहते हैं, और कल पूरा तूफान आपको देखने को मिला भी होगा रतिया में, पहले गांव से लेकर के जितने मुख्यमंत्री जी की कल गांव वो भी थे, एक सभा हुई बड़ी। वैसे हमारे हर गांव में उस तरह का ही रिस्पॉन्स था, और शाम को जाते जाते मुख्यमंत्री को रतिया के लोगों ने तोहफा भी दे दिया। कल 12 MC भाजपा छोड़ करके पूरा पूरी की पूरी बाजी वहाँ पर पलट गई, पत्रकारों के साथ बंसने की, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बौखलाहट बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और इतना भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो मानसिक संतुलन भी जरूर उनका सबका बिगड़ चुका है, और आता होते हुए वो जगह जगह दिखाई देते हैं। बिल्कुल, एक पुराना परिवार है तो अजीत देवीलाल परिवार को हराया हुआ है, और उनका आने से मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर उस इलाके में जो हमारी कमज़ोर बैंक थी उसमें भी फायदा होगा। और एक रोज कोई ना कोई ज्वाइन कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, आज भी आजकल में भी एक दो और बड़ी ज्वाइनिंग होगी, तो ये संकेत है कि लोग कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देखते हैं, और हम लोग मिलकर के हरियाणा के भविष्य को संवारने और सुधारने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला का आरोप है कि अक्टूबर पैराशूट से उतारे हुए उम्मीदवार हैं, उनको सिरसा लोकसभा की किसी जानकारी पता? अच्छा, देखिए जो ये कह रहे हैं, जितना 10 साल में मैंने समय बिताया है इस सिरसा के अंदर, उतना अभय चौटाला और उनके पूरे परिवार ने यहाँ पर नहीं बताया, तो ये तो उनको पता है कि कितनी बुरी हार उनकी होने वाली है। अशोक तंवर तो लोगों के दिल में बस गया है, और वो दिल दिमाग से निकल चुके हैं लोगों के। फैसला जल्दी आपको 12 तारीख को कांग्रेस के हक में दिखेगा, और जो ये थोड़े बहुत बोल रहे हैं इनकी जल्दी बोलती है। 40 लोगों की सूची तैयार हो चुकी है, और वैसे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ही चुनाव चल रहे हैं, तो अगले 5-7 दिन में जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो आने शुरू होंगे, और शीर्ष नेतृत्व भी हरियाणा के अंदर वो हरियाणा की जनता से संवाद करता हुआ दिखेगा, और क्या कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के लिए करना चाहती है, हरियाणा के लिए करना चाहती है, उसका भी हम बड़े रूप में खुलासा करेंगे। और बड़े बड़े चेहरे हैं, सारे ही बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी जी से लेकर के सोनिया गांधी, सरदार मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, बाकी और बहुत से फिल्म स्टार भी हैं, दूसरे भी हैं, तो सभी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। कौन से फिल्म स्टार सर? जो भी फिल्म स्टार हैं, जो भी आ जाएगा उसका स्वागत करेंगे। क्या,